अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मरियम मुनीर है और आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल कबाब। ये रेसिपी उन बच्चों के लिए जो सर्दी शौक से नहीं खाते, लेकिन कबाब की शक्ल में उनको इम्यूनिटी और विटामिन से भरपूर एक हेल्दी लंच मिलेगा जो वो शौक से खाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स वेजिटेबल कबाब के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, फूल गोभी, मटर, गाजर, बंद गोभी और प्याज। ऑयल चाहिए और मसालों में सफ़ेद ज़ीरा मसाला, नमक और मैदा। कढ़ाई में सबसे पहले हम लोग 2 से 3 चम्मच तेल की डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद उसमें मटर ऐड करेंगे। मटर का कलर चेंज होने के बाद एक एक करके हम लोग सारी सब्ज़ी ऐड करते जाएंगे। सारी सब्ज़ी ऐड करने के बाद अब हम लोग इसको फ्राई करेंगे कच्चा कच्चा सा। सब्ज़ी फ्राई होगी, अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने मैश पोटैटोज़ लिए हैं। अब इन मैश पोटैटोज़ में हम लोग ये फ्राई की हुई सब्ज़ी ऐड करेंगे। इसको अब हम लोग मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। मिक्सचर में हम लोग 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच मिक्स मसाले का और बड़ी चम्मच 1 मैदे की हम लोग इसमें मिक्स करेंगे। इस सारे को हम लोग फिर से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे कि सब कुछ मिक्स हो जाए। अब हमने लिए ब्रेड क्रम्स, ये लिक्विड जिसमें हमने मैदा, कॉर्नफ्लावर, पानी और थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया। अब हमने एक कबाब बनाया, उसको इस लिक्विड में मिक्स किया, फिर हमने ब्रेड क्रम्स में मिक्स किया और इसको हम लोग एक एक करके फ्राई करते जाएंगे। हमको 1 मिनट हमारे इम्यूनिटी और विटामिन से भरपूर हेल्दी मिक्स वेजिटेबल कबाब तैयार हो गए हैं।